तो यहाँ पर देखो, ये आराम से इंटीग्रेशन, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आराम से आ जाएगा इसका। ओके तो थोड़ा चेक कर लो और तुम्हारा आंसर भी थोड़ा चेक कर लो, अगर हो गया तो। ये क्वेश्चन था कि टू टू का अगर रखोगे 0 to π/4, ये sec² x प्लस x³, इसका भी तुम ले लोगे dx, इसका भी dx 0 to π/4, ओके प्लस 2 आगे आ जाएगा dx 0 to π/4, ओके। तो इधर देखो, तो यहाँ पर कि हमारा जो देख क्वेश्चन पहला 2 आगे रहेगा, sec² x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x है, ओके। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डायरेक्ट आएगा, ओके tan x, ये 0 to π/4, ओके। और x³ का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4, ये भी 0 to π/4, अगेन प्लस 2 आगे रहेगा, इंटीग्रेशन dx x होता है, ये भी 0 to π/4, ओके। देन तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन tan x, ये 0 to π/4। तो ऑलरेडी हम निकाल दिए tan x, ओके इसका इंटीग्रेशन, ओके। तो क्या होगा नेक्स्ट, तुम्हारा पुट कर लो वैल्यू डायरेक्ट, ओके। ये tan 45 कितना होता है, π/4 जो 45, tan 45 1, tan 0 डिग्री कितना 0, ओके। और ये π/4 ऐसे ही रहेगा, π/4 का पार 4/4, ओके। और -0 का तो 0 हो जाएगा, ओके प्लस ये 2, ये π/4 और 0 का 0, -0 का 0, ये तुम्हारा आएगा, ये 2 आएगा, ये π² / π/4 का पावर 4 कितना होता है 64, शायद 64 × 4 आएगा। और पर ये ऐसे लिख सकते, लिख दो 4 का पावर 5, लिख दो 4 का पावर 4 और × 4, ओके। और ये π/2 इतना रखो और सिंप्लीफाई करो, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारा क्या था, तुम्हारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, एक फॉर्मूला है तुम्हारा, माइनस कॉमन ले लोगे, cos² x - sin² x होता है cos²x, ये वाला फॉर्मूला में करोगे थोड़ा जल्दी बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा कि 0 to π, ये sin² x/2, ये क्वेश्चन नंबर 18, -cos² x/2, तुम्हारा एक फॉर्मूला था, मैं बोल रहा था cos²x का फॉर्मूला, cos² x - sin² x, जब ये x/2 है, यहाँ पर एक्स के बदले x/2 आएगा, तो cos² x हाँ / 2 -sin² x / 2। अगर तुम्हारा क्या होता है कि अगर ये यहाँ पर x/2 है, ये x तो इधर x है, अगर ये x/2 है तो इधर भी x/2 डालो, कट जाएगा, ये आएगा cos x आएगा, ओके। तो ये माइनस कॉमन ले लो, फॉर्मूला में आ जाएगा cos² x / 2 -sin² x / 2, माइनस कॉमन लेने के बाद, ये फॉर्मूला आने के बाद इसको cos x डालोगे, ये सिर्फ सिंपली ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हुआ, और ये 0 to π, ये ट्रिगोनोमेट्री का सिर्फ फॉर्मूला गिरा, cos² x - sin² x / 2 होता है, माइनस कॉमन ले लोगे, प्लस cos कर ये है, हाँ तो ये आएगा कितना cos x आएगा, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है तुम्हारा sin x, ओके। ये 0 to π, अभी मैं सर्कल बोला था, एक फॉर्मूला बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द sin π,
साइन पाई एक सर्कल बना के मैं बोल रहा था उसका फॉर्मूला साइन पाई जीरो ओके एंड साइन जीरो डिग्री भी क्या तो ये तुम्हारा जीरो तो तुम्हारा इसका आंसर तुम्हारा जीरो आ रहा है ओके दो आंसर क्या है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 19 द्वारा ये 0 से 2 6x + 3 बाय कितना x² + 4 ये पार्शियल फंक्शन में आता है पहले एक काम करो इसको पहले इंडिविजुअली कर लो पहले इंडिविजुअली कर लो 6x / x² + 4 और 3 रहेगा dx / x² + 4 और 2 का स्क्वायर कर सकते हो देन ये भी 0 से 2 तो ये सब्स्टिट्यूशन करो इसको टी लेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा इसका टी लेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x आएगा तो एक काम करो 3 रख के 2x dx रखो ये x² + 4 इसको हम टी लेंगे इसका डेरिवेटिव 2x 6x को था 2x रखोगे ये 0 to कितना था तुम्हारा 2 बाद में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ये तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है बोलो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx / a² + x² 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 by a tan इनवर्स x / a ओके तो तुम्हारा ये 1 by a इसका आया कितना 1 by a tan इनवर्स x / a ओके ये 0 से 2 है अच्छा इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके साथ साथ इसका लिमिट भी चेंज करेंगे तो मैं काम कर सकते हो इसमें कांस्टेंट को बाहर रख सकते हो इसमें कांस्टेंट को बाहर रख सकते हो ओके ये नाइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ये वाला हो गया ओके तो इधर देखो नेक्स्ट तुम्हारा कि इसको हम टी लेंगे इसको टी लेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx dt बनेगा इसके साथ साथ ये भी चेंज होगा x² + 4 को तुम टी लिए इसके साथ साथ लिमिट भी चेंज करोगे ये 0 लो एक्स के वाले 0 डालो 0 + 4 क्या आएगा ये 4 आएगा एक्स के वाले 0 डालो ये 4 आ रहा है एक्स के वाले 2 डालो 2 का स्क्वायर 4 ये 8 आएगा ओके देन ये तुम्हारा ये बाहर रख सकते हो ओके पहला डालो टैन इनवर्स 2 यहाँ पर 2 डालो टैन इनवर्स 2/2 1 टैन इनवर्स 1 टैन का कहाँ पर 1 होता है 45 तो पाई बाय 4 माइनस ये 0 डालो 0/2 0 टैन का 0 कहाँ पर है 0 टैन 0 डिग्री 0 यहाँ पर 2 डालो 2/2 1 टैन इनवर्स 1 टैन का कहाँ पर 1 है पाई बाय 4 में ये डालो 0/2 0 टैन का 0 किधर है 0 टैन 0 डिग्री 0 यह आता है लॉग टी ओके इसके साथ साथ लिमिट भी चेंज किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 to 8 ये 3π/8 देन तुम्हारा इधर क्या करोगे देन तुम्हारा इधर 3 ये log 8 माइनस ये log 4 प्लस 3π/8 ठीक है हाँ जी अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि यहाँ पर 0 to 1 एक्स ई टू द्वार एक्स प्लस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई क्वेश्चन है इसको ये रहा है साइन बाय एक्स बाय 4 देन ये डीएक्स अगर इंडिविजुअली करेंगे तो हो जाएगा इंडिविजुअल करेंगे तो ये आईलेट में होगा
बाइपर्स और इसका तो इंटीग्रेशन आराम से आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स उस दिन फॉर्मूला लिखा था 1/a माइनस 1/a कॉस एक्स, इस फॉर्मूला में इसका आराम से निकल जाएगा। तो उसी तरह बनाओ, यही फॉर्मूला में होगा, अच्छा रहेगा। तो क्या करो, एक टू लाओ 0 to 1 एक्स इट उधर एक्स, और दूसरा वाला लो 0 to 1 साइन 5/4x ओके डी एक्स। देन द्वारा क्या होता है, ये आइलेट में होगा बाइपर्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, इतना होने के बाद ये एक होल इंटीग्रेशन रहता है, और ये इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बोल रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 1/a माइनस 1/a कॉस एक्स, ये फॉर्मूला साइन एक्स ओके। तो उसी फॉर्मूला में आता है क्या, माइनस 1/a, 1/ दिस करोगे तो 4π 4/5 ओके, माइनस 1/a मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, 1/a करो 4π, हाँ 1/a कॉस एक्स पाई एक्स बाय 4, और इसका दे देते हैं इसका लिमिट 0 to 1। अच्छा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, डायरेक्ट है फॉर्मूला में हो रहा है। देन तुम्हारा ये एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e^x / e^x माइनस ये dx कर जाता है, 1 डेरिवेटिव एक्स 1 भी होता है, e^x का इंटीग्रेशन वह e^dx है, डेरिवेटिव एक्स 1 होता है, e^x का इंटीग्रेशन वह e^x है। इतना होने के बाद फिर और एक बार होल इंटीग्रेशन है, और इसका पुट करो, 1 पुट करो कॉस 45 कितना, जब 1 पुट करो हमारा कॉस ये 1 इधर पुट हो गया, कॉस 45 कितना 1/√2, उसके बाद ये पुट करो कॉस 0 degree 1 होता है। ये माइनस फॉर्मूला का है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये कॉस यहाँ पर 0 degree 1 हो जाएगा, ये 0 into this 0 हो जाएगा, कॉस 0 degree 1 होता है, ये 4/5। उसके बाद तुम्हारा ये एक्स इंटू e^x, इसका भी शायद लिमिट था बाद में डाल देंगे, माइनस e^x का वही e^x है, इसका क्या लिमिट था, ये भी 0 to 1 पहले इंटीग्रेशन में बाद लास्ट फाइनल डाल दो, ये भी 0 to 1 था ना ओके। देन ये तुम्हारा आया, ये काट दोगे तो 2√2 आएगा, नहीं तो नीचे रखोगे इसे आएगा माइनस 4/√2π, अगर ये काट दोगे तो 2√2 होगा क्योंकि 2 होता है √2 into √2 प्लस 4/π। देन तुम्हारा 1 का पुट होगा, पहला 1 का पुट होगा, 1 का पुट होने से 1 ये 0 आ जा रहा है, ये 1 हो गया e^1 माइनस e^1, ये 1 हुआ 1 into e^1 वह e^1 e^0, यहाँ पर भी क्या होगा पुट का 0 पुट करो, ये 0 हो गया, 0 पुट कर 0, ये माइनस 1 आएगा कैसे, ये 0 पुट करने से 0 हो गया, e^0 क्या होता है e^0 1 होता है ओके। देन ये माइनस 4/√2π प्लस 4/π, देन ये तुम्हारा आ रहा है माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4/√2π प्लस 4/π, ये आंसर है ओके।